Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 3, integration. Aur exercise hum solve kar rahe hain. Exercise number 3.2. Exercise 3.2, pichle lecture mein humne iske yani ke question number 1 ki humne part 4 tak solve kiye the, theek hai? To ab hum usse next part start karte hain. Part number hai, question number 1 hai. और पार्ट नंबर है 5. पार्ट नंबर 5 हमें गिवन है, उसमें फंक्शन गिवन है जिसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है. ये फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये फंक्शन है और इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो किस तरह से फाइंड करेंगे? देखें, पिछले क्वेश्चन में यानी कि पिछले पार्ट में, पिछले लेक्चर में हमने जो लास्ट पार्ट सॉल्व किया है, पार्ट नंबर 4, उसमें हमने क्या बात की थी कि अगर हमें फार्मूला नहीं याद तो हम थ्योरम बना लेते हैं. और थ्योरम तो दो तीन ही है, वो आपको याद होने चाहिए. ठीक है, तो थ्योरम क्या था कि फंक्शन हो, साथ में डेरिवेटिव हो, ठीक है, या फिर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में जो है उसका डेरिवेटिव हो, तो हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या ऐसी फॉर्म हम बना सकते हैं? देखें, अगर ये फंक्शन आप क्या नजर आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 है. अगर हम इसको कहते हैं ये हमारे पास फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है, उसका उसके ऊपर पावर भी मौजूद है. ठीक है, फंक्शन की फंक्शन और उसके ऊपर पावर है, साथ में उसका डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करेंगे कि फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय उसी पावर से डिवाइड भी कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी. चलें देख लेते हैं क्या ये फॉर्म वो बन सकती है या नहीं. ये फंक्शन गिवन है, उसका डेरिवेटिव फिर क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये बन गया. उसके अलावा प्लस 0, मतलब कि एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया? 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. पहले तो हमने देखा था पिछले पार्ट में कि वहां पर साथ में यानी कि 2 एक कांस्टेंट था जो उसका डेरिवेटिव था फंक्शन का, वो तो हम साथ में मल्टीप्लाई कर सकते थे. तो क्या हम ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं साथ में? नहीं. क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल आ रहा है x. कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो वो कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल या किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई खुद से नहीं हम कर सकते. ठीक है, तो मतलब कि अब हम वो फॉर्म इससे नहीं बना सकते क्योंकि डेरिवेटिव में वेरिएबल आ रहा है. चलें फिर हम कुछ और देखते हैं कि और क्या हम कर सकते हैं इसके साथ, इसकी इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे हम. ऐसा करते हैं कि पहले इसको सॉल्व करते हैं. स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो फॉर्मूला यहां पर अप्लाई पहले करते हैं. मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ x है, a है, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1, 2a भी हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर. ठीक है, तो इसके साथ dx आ जाएगा और इंटीग्रल साइन. इसी तरह से ये इंटीग्रल साइन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर x आ गया, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आपके पास प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 और साथ में ये लग जाएगा dx. ठीक है, अब यहां पर ये कौन सी फॉर्म बन चुकी है? सम ऑफ फंक्शंस. ठीक है, तो विल बी इक्वल टू किसके होगा? सम ऑफ देयर इंटीग्रल्स के, मतलब कि इसका हम लेते लेते हैं इंटीग्रल ले लेते हैं और उनको सम कर देते हैं. ये हो जाएगा x dx का प्लस इंटीग्रल 2 स्क्वायर रूट ऑफ x dx प्लस 1
dx, ठीक है। ऊपर क्या था, सम ऑफ फंक्शंस, इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ फंक्शंस, और नीचे क्या हो गया, सम ऑफ देयर इंटीग्रल्स। अच्छा, अब उनकी हम अलग-अलग इंटीग्रल तो हमने लिख दिए, अब हम इस पे देखेंगे इन पे अलग-अलग कौन कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है x, उसका इंटीग्रल है, ठीक है। तो x की पावर 1 इनटू 1 वही फॉर्म बन चुकी है ना, तो इसको भी आप देखें। तो इसमें तो पहले हम 2 को बाहर लेके आएंगे और इसको हम x पावर 1 बाय 2 लिख देंगे ताकि आपको समझ आए सही से, 1 dx समझने में आसानी हो, ठीक। इसलिए मैं इस तरह से फॉर्म्स बनाकर सॉल्व करूं अभी, तो नेक्स्ट से इंशाल्लाह जो है वो डायरेक्ट मैं सॉल्व किया करूंगा, क्योंकि अब तक आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब ये बन गया x, यानी कि फंक्शन यहां पर x है उसकी पावर 1 है और साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दिया जाए डिवाइडेड बाय वही पावर बन जाएगी, ठीक है। और प्लस ये 2 इसी तरह से आ जाएगा, ये भी वही फॉर्म बनती है ये वाली, ठीक है। अगर इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई करूं तो, ठीक है, तो ये इसको हम लिखेंगे x पावर 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रल x होगा, और अब हम इंटीग्रेट कर चुके हैं तो प्लस c भी साथ में लिखेंगे। अच्छा, उसके अलावा इसको आप सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 into x power 3 by 2 बन जाएगा ये, divided by 3 by 2 plus x plus c। अच्छा, तो ये बन गया जी x square divided by 2 plus ये 2 2 से cancel out हो गया, और ये बन जाएगा x power 3 by 2, तो इसको हम लिख सकते हैं x into x square root divided by 3 plus x plus c, ठीक है। ये इसका integration बनता है, तो शुरू में तो हमें समझ नहीं लग रही थी किस तरह से करना है, तो उसको हमने यानी कि साथ साथ सॉल्व किया, फिर जाके देखा फिर कौन सी फॉर्म बनी, कौन सा थ्योरम अप्लाई हो सकता है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप अगर लेकर चले तो आपको कोई चीज मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट नंबर 5। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट में है x स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x की होल पावर, इसको भी हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के। इसको किस तरह से करेंगे, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, मतलब कि अभी होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको समझ लग जाएगी कि किस तरह से कौन सा फार्मूला लग रहा है, कौन सा थ्योरम हम बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो चलिए मैं ओपन करके दिखा देता हूं आपको, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2 इनटू a है और ये b है, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रल ये आ गया dx, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 ओवर x इसका इंटीग्रल, ठीक है। तो अब वही आगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, ये इसको पहले अलग-अलग करके इंटीग्रल लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्मूलाज या थ्योरम्स आपके सामने खुद बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं यानी कि क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, पार्ट नंबर है ये 6, ये आप उसे ट्राई कीजिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो, तो इसको मैं आप स्किप कर रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 में हमें क्या फंक्शन दिया है, 3x plus 2 divided by square root of x, और उसका इंटीग्रल हमें फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब ये फंक्शन देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसमें तो अब होल स्क्वायर भी नहीं है या फिर कोई थ्योरम भी नहीं बन रहा, चलें देखते हैं कि क्या वो थ्योरम बन रहा है कि नीचे फंक्शन और उसका ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन अगर ये है स्क्वायर रूट ऑफ x तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो क्या ये न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है या हम बना सकते हैं,
नहीं। तो अब क्या करें और किस तरह से हम सॉल्व, एक काम कर सकते हैं कि ये टर्म 3x भी स्क्वायर रूट ऑफ x से डिवाइड हो रही है और 2 भी स्क्वायर रूट ऑफ x से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। 3x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, इसको इंटीग्रेट हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू। अब ये देखें इसकी यानी कि x पावर 1 बाय 2 नीचे है तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं और ऊपर पहले से 1 मौजूद है, ठीक है, x पावर 1 और इसकी 1 बाय 2 और जो है ऊपर आ जाएगी तो माइनस 1 बाय 2 बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये 2 है और साथ में क्या है x पावर माइनस 1 बाय 2 हम लिख देते हैं क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x है तो ऊपर आके x स्क्वायर x पावर माइनस 1 बाय 2 बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया। चलें इसको अब मजीद आगे देखते हैं क्या बनेगा। अब कुछ फॉर्म बनती समझ आ रही है, ठीक है, यानी कि इसको मैं अगर लिखूंगी ये बन जाएगा x पावर 1 बाय 2, ठीक है, प्लस 2 x पावर माइनस 1 बाय 2। अब हमारे पास दो फंक्शन है और उनके दरमियान पॉजिटिव साइन है प्लस साइन है, यानी कि सम ऑफ टू फंक्शन है, तो इसको हम अलग अलग लिख देंगे। 3 एक्स पावर 1 बाय 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रल 2 एक्स पावर माइनस 1 बाय 2 डी एक्स, ठीक है। तो अब यहां से हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये कौन सी फॉर्म है, अगर आपको याद हो तो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ, कॉन्स्टेंट को बाहर लेके आए क्योंकि ये 3 बाहर आ गया और ये बन गया x पावर 1 बाय 2 डी एक्स प्लस, इसी तरह से ये 2 भी बाहर आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है जो कि फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बनेगा 2 बाहर x पावर माइनस 1 बाय 2 डी एक्स। आगे मजीद इसको सॉल्व करें, मतलब इसको आप इंटीग्रेट करना है, हमने वही फॉर्म बनी हुई है कि x की पावर n यानी कि x की पावर यहाँ पे 1 बाय 2 है, ठीक है, उसके साथ फंक्शन जो x है तो उसका डेरिवेटिव 1 है, ऑलरेडी हम 1 साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो मैं लिख दिया प्लस 2। इसी तरह से इसके साथ मैं लिख देता हूँ x पावर क्या है माइनस 1 बाय 2 है, साथ में 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये वो फॉर्म बन गई फंक्शन की पावर, ठीक है, और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फंक्शन की पावर में हम एक ऐड कर देंगे 1 बाय 2 प्लस 1 हो जाएगा, इसी तरह से इसी पावर से हम डिवाइड भी कर देंगे तो बाहर 3 ऑलरेडी मौजूद है प्लस 2 इंटू ये भी हम इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बन गया। अब ये बन गया 3 एक्स पावर 3 बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 बाय। तो ये 2 से तो चले कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 जो है वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 x पावर 3 बाय 2 प्लस x पावर 1 बाय 2 और मैं सी फिर भूल गया साथ में लिखना, ठीक है, यहाँ पे सी आएगा प्लस सी आएगा, यहाँ पे भी प्लस सी आएगा। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, इसको अगर हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 2x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस इसको स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, प्लस सी। ये इन मैंने 2 को कैंसिल कर दिया जबकि ये कैंसिल नहीं होते, क्यों, क्योंकि ये 2 तो ऊपर आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 4 बन जाएगा यहाँ पर। ये छोटी मोटी गलतियां आप देखे करें, ठीक है, बाकी मेथड को आप समझा करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये भी गलतियां ना हो, लेकिन अगर हो भी जाए तो इनको आप खुद ठीक कर दिया, ठीक है। तो
ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ, पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, पार्ट नंबर है 8। उसमें देखते हैं हमें कौन सा फंक्शन गिवन है। फंक्शन गिवन है जी पार्ट नंबर 8 में स्क्वायर रूट ऑफ y इनटू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू y, तो हम यहां पर लिखेंगे dy। अभी तक हम विद रेस्पेक्ट टू x देखते हैं, ठीक है। हर फंक्शन में x मौजूद होता था और हमने उसको इंटीग्रेट भी x के ही रेस्पेक्ट से करना होता था। अब यहां पर फंक्शन जो हमें गिवन है वो y के रेस्पेक्ट में, यानी कि y की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमने उसको इंटीग्रेट भी y के रेस्पेक्ट से ही करना है। तो अब चीज तो वही है उसमें, यानी कि कोई फर्क नहीं है, सिर्फ x और y में कन्वर्ट हो गया और कुछ नहीं है, ठीक है। उससे आपने घबराना नहीं है, तो बस ये देखना है कि आप इसको, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, हम इसको किस तरह से सॉल्व करें, ये चीज आपने देखनी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, हम ऐसा करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये y प्लस 1 को अगर y से डिवाइड कर दिया जाए तो ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, चलिए करके देखते हैं। ये है जी स्क्वायर रूट ऑफ y को चले हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये y डिवाइडेड बाय y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y और साथ में dy, चले ये भी साथ में क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ y है, ठीक है। y डिवाइडेड बाय y 1 हो गया और ये 1 बाय y बन गया, तो ये dy, ठीक है। मतलब कि मैंने सिर्फ जो है y प्लस 1 को डिवाइड करके y के साथ, बाकी स्क्वायर रूट ऑफ y जो है वो साथ पहले भी मल्टीप्लाई हो रहा था, अब भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई ही क्यों ना कर दें, ठीक है। यानी कि इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये बन जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ y बन जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय y, ठीक है, इसका इंटीग्रल इनटू dy। अच्छा अब तो मैंने सबके साथ ही क्यों डिवाइड कर दिया, कर सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं था। अब यहां पर क्या है कि मतलब सबके साथ ही किया है, y प्लस 1 इसके साथ मैंने कर दिया या फिर मैं इसके साथ कर देता, ये की बात थी, ठीक है। आप उस तरह से भी करके देख लीजिए, रिजल्ट आपके पास सेम ही आएगा, यही आएगा। अच्छा आपको क्या है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ y है, चले हम इसको लिखते हैं y की पावर 1 बाय 2 में, 1 बाय 2। उसके अलावा ये y की पावर 1 बाय 2 है और ये y की पावर 1 है, तो ये 1 जो है ऊपर अगर जाए, इसको अगर ऊपर लेके जाए तो ये माइनस 1 हो जाएगी पावर, ठीक है। तो यानी कि ये y की पावर 1 बाय 2 माइनस 1 बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। अब हमने क्या करना है, ये है दो फंक्शन आपस में सम हो रहे हैं और उसका इंटीग्रल है, तो हम उसको अलग-अलग इंटीग्रेट करते हैं, y की पावर 1 बाय 2 dy प्लस ये क्या बन जाएगी, y की पावर 1 बाय 2 माइनस 1 माइनस 1 बाय 2 बन जाएगी, y की पावर माइनस 1 बाय 2 और उसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा अब तो बहुत सेम, यानी कि सिंपल बन चुका है कि y की पावर 1 बाय 2 है, उसका इंटीग्रल है, वही चीज बन जाती है यहाँ पे, यानी कि y की पावर 1 बाय 2 है, साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, फिर वही थ्योरम बन जाएगा हमारे पास। कौन सा थ्योरम बोला आप मुझे याद करें, मैं लिखता हूँ, मतलब कि अगर y को आप इंटीग्रेट करें d ओवर d y, यानी कि y की रिस्पेक्ट से अगर इंटीग्रेट करें y को, तो क्या आएगा, 1 ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, ये dy और dy बन गया, अगर दोनों आपस में आंसर तो 1। जिस तरह से d ओवर dx, x को आप रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट डेरिवेट करते हैं तो क्या बनता है, dx / dx, ये भी आपस में आंसर आउट हो गया तो 1। इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ x = 1 आता है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ y भी विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो इक्वल टू
वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम विद रेस्पेक्ट टू वाई ही देख रहे हैं, इसलिए ये अगर फंक्शन वाई है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है वन, और फंक्शन की पावर भी है, तो वो थ्योरम यहाँ पर बन चुका है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फंक्शन की पावर में एक सम करें और नीचे भी पावर में प्लस वन करें, इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन। अब हमने इंटीग्रेट कर दिया है तो प्लस सी भी साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा फिर, टू बाई थ्री वाई पावर थ्री बाई टू, ये थ्री बाई टू आता है ना, तो मैंने उसको टू बाई थ्री ऊपर करके लिख दिया, तो क्योंकि हमें बाद में लिखना ही था। तो ये आ गया वाई पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन, मतलब के ये वन बाई टू बन गया, तो साथ में कर ये इस तरह से टू आ जाएगा प्लस सी। अगर इसको भी आप लिखना चाहें स्क्वायर रूट की फॉर्म में तो ये क्या बन जाएगा, टू बाई थ्री इंटू वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस सी, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट आया, हमने इसको इंटीग्रेट किया और हमारे पास रिजल्ट में टू बाई थ्री वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस सी आया, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है बिल्कुल तकरीबन तकरीबन इसी तरह से है, उसमें आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमें जो फंक्शन गिवन है नेक्स्ट पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ थीटा माइनस वन का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ थीटा है, इसको हमें इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू बी बी थीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर ओपन करने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ थीटा से हर एक टर्म को डिवाइड कर दें, तो आपके पास बहुत यानी कि आसान फंक्शन बन जाएंगे जिसको आप इंटीग्रेट आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूँ, टाइम ओवर हो चुका है। बाकी जो पार्ट्स इस क्वेश्चन के बचे हैं वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट करेंगे।